हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू देसी सिबलिंग। आज है शिवरात्रि और मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया सी धूप आई हुई है। तो अब हम करेंगे पूजा। बस यहाँ पर खेल रहा है, बुक पढ़ रहा है और दीदी सोई हुई है क्योंकि उसके कान में रात से दर्द है ना। हाँ, अब पापा नहाने गए हैं। पापा नहाने के बाद दिविता को लेके जाएंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि बहुत मुश्किलों से मिला है। अब मैं दिविता को रेडी कर देती हूँ। दिविता, ओ दिवो, आजा बेटा, रेडी हो जाएगी, चल आजा। डॉक्टर के पास जाना है ना, दवाई कैसे मिलेगी फिर? डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो दवाई मिलेगी। डॉक्टर अंकल आपको अच्छी सी दवाई देंगे, आप फिर जल्दी से ठीक हो जाओगे, फिर हम घूमने जाएंगे। आज देखो मौसम कितना अच्छा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जा मेरा बेटा। चलो टोपी पहन लो दिविता। बेटा फिर वही, नहीं टोपी बाबू, तो कान में कान में हवा जाने से ही होता है इन्फेक्शन। गोदी नहीं बाबू, अभी नीचे चलता है, नीचे नीचे पकड़ लेगी बाबू। दिविता जा रही है डॉक्टर को दिखाने के लिए और देवस को अपना जाने की पड़ी है, देवस को भी जाना है। देवस के भी शूज लाओ, देवस मम्मा बनाएगी शूज। हाँ मम्मा बनाएगी आपको, लाओ। ये टूट गया है। हाँ फेंको फिर अपने। हाँ चलो बाय दिविता, टेक केयर। चल कहाँ जाना है? हाँ कहाँ चला गया है? अच्छा हाँ चलो पहनाओ। अरे भाई चलो चले, चलो कहाँ चलना है? चलो दिविता डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए गई है, जो कि बहुत मुश्किल से मिला है क्योंकि आज सैटरडे है और देवस मुझे यहाँ अपार्टमेंट के कॉरिडोर्स में घुमाए जा रहा है। वो घर के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, वो बस इन कॉरिडोर्स में ही घूमे जा रहा है। कॉरिडोर में चलते चलते थक गए थे तो मैं देवस को सारा के पास ले आई हूँ और उसने देवस को बहुत अच्छे से गेम में बिजी कर लिया है। जब तक देवस सारा के साथ बिजी है तो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और आज मेरा शिवरात्रि का फास्ट भी है। सारा टीका मिटा दिया है, देवस को मैंने टीका लगाया है तो नाराज हो गया है और सारा टीका मिटा दिया है। अच्छा अक्षत भी उठा के वापस रख रहा है थाली में। पग लगाई थी, पग हो गई है, ठीक हो बाप? हाँ अब हम अंदर चल सकते हैं। हाँ पग लगाई थी मैं। इट्स ओके, इट्स ओके, हैप्पी टू नो दैट कि आप खुश हो। अब हम मंदिर चलते हैं, ओके? नहीं तो शाम तक बहुत भीड़ हो जाएगी मंदिर में। चलो लेट्स गो। डॉक्टर ने दिविता को कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है और वापस आकर वो थोड़ा देर सो गई तो उसे अच्छा लग रहा है। तो अब हम सब मंदिर जा रहे हैं।
थोड़ा भीड़ कम हो गई होगी। चलो चल, देविता के तो बाल भी खराब हो गए। देवस नहीं उतारा जैकेट? नहीं उतारा। चलो चलो, मैं जरा हाथ धो के आती हूँ। रुको ना, उससे चढ़ने उतरने का शौक लग गया इसको। अरे वाह, साड़ीज। हाँ दिला दो। चल देवो, हाथ जोड़ दो। हाँ दोनों हाथ से, भगवान को दोनों हाथ से हाथ जोड़ दो। देखो कितना सुंदर है। भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ बैठ गए हैं और कुछ देर हम यहाँ आराम से बैठेंगे। हेलो आलमन, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। खाओगे? तू खाएगी तो मिठाई? ये केला आप खा लो, देवस ने खाया नहीं। कोई बात, कहा तो मुझे ही खाना है। आप भी ऐसी खाओगे? खाते अच्छे है देवो, पसंद आया आपको? गिरा दिया इसने नीचे। खाना देवो दो उसको, आपसे मांग रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? देखो पानी पी नहीं रहा है, सिर्फ वो पी रही थी करके इसने ले लिया। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब हम घर जा रहे हैं। देसी सिबलिंग के डैडी के ऑफिस से फोन आया था कि वहां पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जिसके लिए उन्हें 5 बजे पहुंचना है और ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी घर को वापस जा रहे हैं। पत्थर को काट के बना, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। दर्शन हो गए, आप ठीक हो?
भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, अब आप सोने का मन कर रहे। बहुत ही बढ़िया हो गया, आ जाओ, आओ आओ बैठो बैठो और आधा घंटा सो जाओ, फिर घर जाके अच्छे से सोना। ओके आराम से सोना गाड़ी पे। बोलो देवस भी बैठ गया, बाय एंजॉय। हमें आने से पहले कॉल कर लेना, कुछ पैक कराना होगा तो। ओके ठीक है चलो, ये पार्टी के लिए ये लेके जा रहे हो? बाय। डैडी ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गए हैं और दिविता सो रही है, और अब टाइम हो चला है शाम की पूजा का। अब मैं पूजा करके अपना व्रत खोलूंगी। हमारा शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा गया, होप कि आप सब ने भी शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई होगी। आप सभी को हमारी ओर से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू सून। Thank you for watching. Please like, share, comment.